हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 7 में पढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, चैप्टर 7 में क्या पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले जो मेरे चाहने वाले हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ। इनका नाम है शादी पाशा, शेख, तो शादी पाशा जी ने मुझे यूपीआई पे पेमेंट किया था क्यूआर कोड पे 301 रुपीज़ का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सादिक जी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। तो देखिए, यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले देखिए, संज्ञा के बारे में पढ़ना। तो संज्ञा आपकी 5 प्रकार की, कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उसके बाद आपका प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो अगर आपसे कोई पूछ ले सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपको विशेषण पढ़ना है। विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये 4 आपके क्या हैं, विशेषण हैं। और प्राविशेषण के बारे में भी हमें पढ़ना है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। देखिए, जो गुण है, स्थिति है, दशा है या कोई भाव है, उसके बारे में जब कोई विशेषता बताई जाती है तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, भाववाचक संज्ञा। अगले प्रश्न पे आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद कौन से हैं? तो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं आपके, कई समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ख, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो 5, वैसे मेनली 3 ही होते हैं संज्ञा, कौन से? व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। और जातिवाचक में ये दोनों आते हैं, कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। प्रश्न संख्या 3, हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, वाक्य में रेखांकित पद का भेद करें। तो विभीषण कौन थे? रावण के भाई थे और ये घर का भेद बताते थे। तो विभीषण क्या है कि एक उस तरीके की व्यक्ति की बात की जा रही है, तो ये किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा विभीषण। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, शहद की कम नहीं होती। तो मीठा जो शब्द यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, इसमें क्या लिखा गया है? रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्द के सही भाववाचक संज्ञा के रूप में कीजिए। तो मीठा का जो भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो वो क्या होगा आपका? मिठास। तो इसका आंसर बनेगा ग, मिठास। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, इसमें जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, फल, फल आपका जातिवाचक है, मनुष्य भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो रामचरितमानस है ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये नाम है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। और किस भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में लिखी है। प्राय त्व, ता, आस आदि प्रत्ययों से संज्ञा का निर्माण होता है। तो संज्ञा का निर्माण होता है, तो कौन से संज्ञा का निर्माण होता है? तो ये है आपका भाववाचक संज्ञा। इसका आंसर है आपका घ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, असत्य कथन का चयन करिए। इसमें से गलत कथन कौन सा है? किसी विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जिस संज्ञा पद से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक नहीं। जब समुदाय या समूह का बोध होगा तो वो द्रव्यवाचक नहीं, वो क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा। क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर आपका गलत क्या है? ऑप्शन नंबर ख। ऊंचाई, घबराहट, औचित्य, सज्जनता आदि भाववाचक संज्ञा हैं, बिल्कुल ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित पे व्यक्तिवाचक। तो गंगा नाम है, तो जब किसी का कोई नाम होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, तो ये भी आपका सही है। तो गलत इसमें क्या था? गलत था आपका ऑप्शन नंबर ख।
आठवां प्रश्न, अतिथि शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो अतिथि का जो भाववाचक संज्ञा होता है उसे कहते हैं आतिथ्य। क्या कहते हैं? आतिथ्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, तो यहाँ पे वह पे अंडरलाइन है। कक्षा में नीता उसके साथ बैठी है, उसके वह अपना कार्य स्वयं करती है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित पद किस व्याकरण कोटि के अंदर आते हैं? तो देखिए, वह, उसके, अपना, स्वयं, ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? ये हैं सब आपके सर्वनाम। तो इसका आंसर होगा सर्वनाम, और सर्वनाम आपका है प्रश्न ऑप्शन नंबर घा पे, तो इसका आंसर बनेगा सर्वनाम। अगला प्रश्न संख्या 10, जो पौधों में पानी डाल रहा है वह मेरा भाई है। तो जो और वह, तो जो का संबंध उससे है, इसमें जो आपका संबंध बताया जा रहा है कि जो पौधे में डाल रहा है वो मेरा भाई, यानी कि अपना संबंध बता रहा है उससे। तो इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त है? निजवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, उन्होंने खीर खाई। तो उन्होंने खीर खाई वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? तो उन्होंने, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। देखिए, जैसे जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होती है तो वह किस में आएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। प्रश्न संख्या 12, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो अनिश्चयवाचक, जैसे उन्हें कुछ दे दो, कौन ऐसा कहता है, वह खाकर सो गया, आजकल तुम उदास रहते हो। तो देखिए, इसका जो प्रश्न आंसर है वो घा बनेगा। जैसे आजकल, तो आजकल क्या है? आज या कल, तो आपको पता ही नहीं है चीज़ की निश्चित है या अनिश्चित। तो ये आपका क्या है? अनिश्चित है, मतलब आपको क्लियर नहीं पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका घा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया, श्रोता मतलब जो आपका बात सुनता है, जब उसके लिए बात की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर बनेगा ग, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित असत्य कथन का चयन करिए, इसमें से गलत कथन कौन सा है? जो विशेषण अपने विशेष के गुण, जो विशेषण अपने विशेष के गुण, दोष, रंग, रूप का बोध करवाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो संज्ञा तथा सर्वनाम के परिमाण का बोध करवाते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो संज्ञा सब सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक नहीं कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम जो है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे विशेषण, इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ग, ये यहाँ पे गलत है। उग्र भीड़ ने कई बसें जला दी, इस वाक्य में रेखांकित पद संख्यावाचक विशेषण है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्राविशेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। एक दयालु राजा ने कसूरवार को माफ़ कर दिया, इस वाक्य में दयालु शब्द का विशेषण कौन सा? तो दयालु क्या है? दयालु एक क्वालिटी की बात हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 17, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर का, सार्वनामिक विशेषण। इतिहास के छात्र घटनाओं का अध्ययन करते हैं, रेखांकित शब्द से विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 18 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, ऐतिहासिक। क्योंकि इतिहास से जब हम बनाएंगे विशेषण शब्द, तो क्या बनेगा? ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण नहीं है? परिमाण का मतलब नाप तौल की चीज़ें, खीर में चीनी ज़्यादा डालना, तो यहाँ पे भी है, 2 किलो यहाँ पे भी है, थोड़ा खाता है ये भी, कुछ लड़के आपस में बात कर रहे थे, तो ये आपका परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ।
20 नंबर, निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर अनुचित विकल्प का चुनिए। जैसे यहाँ पे गुड़ है तो गुड़ के बारे में देखिए, सुंदर, बुद्धिमान, चतुर, ये ठीक है। अवस्था में देखिए, कृपालु, दरिद्र, युवा, तो ये आपका गलत है। ये अवस्था के बारे में बात नहीं हो रही है, युवा अवस्था के बारे में बात है, लेकिन कृपालु और दरिद्र बात नहीं है। अब देखिए, दोष जो होता है, अपवित्र, ईर्ष्यालु, कपटी, आकार में जैसे दीर्घ, बड़ा, चौरस, तिकोना, तो ये सब ठीक है, लेकिन आपका अवस्था वाला यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि अनुचित पूछा था। अनुचित का मतलब क्या गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, संज्ञा के भेदों के आधार पर मिलान कीजिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे लाल किला, गीता, सूरज, लेकिन जो मनुष्यता है ये आपका गलत है। ये आपका भाववाचक में आएगा तो गलत हो गया। जातिवाचक में क्या क्या है, किसान, आदमी, पुस्तक, आलस, तो पुस्तक भी आपका, देखिए किसान जो है ना, किसान आपका व्यक्तिवाचक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। भाववाचक में धैर्य, अमरता, आलस्य, मनुष्यता, तो ये आपका ठीक है भाववाचक। ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दिए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दल और परिवार, ये दोनों आपके क्या है, समूहवाचक है, लेकिन पुस्तक और सूरज आपके नहीं हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, असत्य कथनों का चयन करिए। सर्वनाम के चार भेद होते हैं, नहीं, छः भेद होते हैं, तो पहला गलत। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, सर्वनाम, उन्हें उत्तम वाचक सर्वनाम कहते हैं, तो ये भी आपका क्या है, ये आपका ठीक है। अपने लिए जब प्रयोग किया जाता है सर्वनाम, उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक। कोई और कुछ निश्चय में आते हैं, नहीं, ये आपके आएंगे अनिश्चयवाचक में। किस में आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। सर्वनाम के दो वचन तथा सात कारक होते हैं, तो सर्वनाम एक वचन, बहुवचन, तो यहाँ पे क्या सही है, सिर्फ आ और सा सही है, ये भी आपका गलत है, सात कारक नहीं होते। इसका आंसर बनेगा गा, आ और सा दोनों असत्य हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे असत्य पूछा था ना, ठीक है ठीक है जी। तो देखिए, ये दो वचन सात कारक होते हैं, और आपका ये गलत था, सा और आ गलत था, बाकी ये दोनों ठीक थे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 23, विशेषण के भेदों के आधार पर ही सही विकल्प चुनिए। तो क्या इसमें गुणवाचक विशेषण है, धार्मिक, मानवीय, अवलंबित, तीसरा, नहीं, ये इसमें तीसरा नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण में कई, पाँचवा, हजारों, बुद्धिमान, तो ये भी गलत है। परिमाणवाचक में क्या लिखा है, कुछ मीटर, चार किलो, वार्षिक, ये भी आपका गलत है। वार्षिक आपको परिमाणवाचक में नहीं आता, हिंसक भी नहीं आता। सार्वनामी में क्या आता है, यह घर, मेरी कमीज, वे लोग, वह बालिका, तो ये आपका सही है, क्योंकि यह, मेरी, वे और वह, ये सब क्या हैं, आपके सार्वनामिक विशेषण हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आपको मिलान करना है परसर्ग चिन्ह और उनके जो उचित विकल्प हैं ये सभी से। देखिए जैसे कौन है, तो कौन का क्या क्या होगा, किससे, किसके द्वारा, ये आपका किससे मैच करेंगे हम, तो ये आपका होता है आपका करण कारक, तो आ रा सेकंड, तो आ रा सेकंड आपका कहाँ पे है, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन यहाँ पे भी देख रहे हैं, यह का क्या होगा, इसके लिए, और इसके लिए आपका क्या होता है, संप्रदान कारक, मैं मुझको, मुझको आपका किस में आएगा, कर्म कारक में आएगा। फिर है तू, तू का आएगा तुझसे, और तुझसे किस में आएगा, आपका अपादान कारक में आएगा, तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर का। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या लिख रखा है, निम्नलिखित तालिका में दी गई विशेषण की अवस्थाओं के उचित मिलान का विकल्प का चयन करिए। तो चलिए देखते हैं, देखिए जैसे लिखा है निकट, तो निकट का क्या होगा, निकटतर, क्या होगा, निकटतर और निकटतम। फिर आला और पहला, आला और पहला कहाँ पे है, ये पहले ऑप्शन में भी है। फिर है अधुना, अधुना का अधुनातर और अधुनातम। फिर है उच्च का उच्चतर, उच्चतम। श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर का, यही आपका आंसर बनेगा। और देखिए दोस्तों, जैसे सभी लोग कुछ ना कुछ पे करते हैं, अगर आप भी पे करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं करना है, आपका मन करता है तो आप पे करिए, वरना आप पढ़ते रहिए, कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। जैसे जो लोग पे करते हैं, मैं उनका नाम ज़रूर वीडियो में लेता हूँ, बताता हूँ कि उन्होंने मेरी हेल्प की, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वीडियो तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। वीडियो को कैसा लगा कमेंट में लिख के आप ज़रूर बताइएगा। तो ये है दोस्तों मेरा QR कोड, अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं। और फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।